हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग का भी दुर्गा पूजा अच्छा से बीते, स्वस्थ रहिए। और फाइनली गाइस, ये जो सविता है ना, ये मान गई कि आज घूमने जाना है बोल के, क्योंकि कुछ दिन से नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बोल रही थी, और ये भी नहीं गई थी, तो ये दृष्टि को भी ले जा रहे हैं। और ये खास कर ये तो बोल रही थी कि मुझे नहीं घूमना है राहुल कला मेला और पंडाल उंडाल नहीं देखना है, तो फाइनली गैस मान गई है और आज ले जा रहे हैं, और साथ जा रहे हैं तीनों, यानी कि जीडीएस फैमिली आज जा रही है घूमने राहुल कला पंडाल देखने, पूजा देखने। क्या जाते हैं? ओके। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 2 फिर से एक बार, लेकिन आज काफी भीड़ है, एकदम ज्यादा नहीं मिल रहा है। हम लोग को हेलमेट रख दिए हैं लॉक करके, और दृष्टि को गोदी में उठाना पड़ रहा है बाय बाइक, और ये तो मम्मी के पास पानी है, देख रहे हैं कितना भीड़ है बेटा, है ना, एकदम छोड़िएगा नहीं हम लोग का हाथ। चलिए अभी नीचे चलिए, दे दीजिए थोड़ा उसको पानी दे दीजिए। क्या चाहिए आपको? झूला? हाँ झूलेंगे झूलेंगे। हाँ क्या? ओह ठीक है, इतना बड़ा ये वाला झूला में तो हमको डर लगता है बेटा, आपको डर नहीं लगता है? हाँ मिक्की माउस में बैठने का बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन इतना भीड़ भड़ा के कारण वहाँ पर नहीं बैठी दृष्टि, और फिलहाल ये गाड़ी में बैठ गई है दृष्टि और परी, और देख सकते हैं उधर है। हाय हाय बेटा, दृष्टि बेटा हाय हाय, परी दृष्टि बेटा हाय हाय, ओके आप घूम लीजिए बाद में। हम लोग अभी तक पंडाल पहुंचे ही नहीं है, इतना भीड़ है, और सविता करिश्मा किधर है, कैमरा मेरा देख पा रहा है? क्या भीड़ है आज, हेलो और दोस्तों यही वो जगह है उस दिन आए थे, एकदम भीड़ भड़ा का नहीं, और देखिए आज हजारों की संख्या में एकदम इतना भीड़ है, और ये वृंदावन का प्रेम मंदिर लिखा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये और दोस्तों देख सकते हैं ये है प्रेम मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है वृंदावन का, जो यहाँ पर पंडाल के रूप में राउरकेला में बनाया गया है, और हम लोग अंदर नहीं जाने सके इतना भीड़ के कारण, और ये परी के पापा और मम्मी गए हैं, और हम लोग फिलहाल आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं बाहर में। फिनिश इतना जल्दी सब इधर उधर हो जा रहे हैं, कहाँ है जी किधर गए? हाँ यहीं पर है ना, चलिए अब दिखाएंगे एरोप्लेन। तो दोस्तों यहाँ भी बहुत ही सुंदर अभी लग रहा है, उस दिन तो सप्तमी के दिन कुछ सजा हुआ नहीं था, रनवे भी वगैरह नहीं बनाया था। ये हम लोग पहुँच चुके हैं डकोटा के पास, द डकोटा द टॉल मैन बीजू पटनायक जो डकोटा था एरोप्लेन उसी के पास आए, और दिखाते हैं रनवे वगैरह किस तरह से बना हुआ है। और ये रहा दृष्टि, और क्या देख रही है, और देखिए आज ये देखिए रनवे भी बनाया हुआ है,
ये देखिए ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है और डकोटा एकदम उड़ने ही वाला है। और पूरा एरोप्लेन का पूरा वॉल्यूम भी है, इतना फोर्स वाले हैं। दोस्तों वहाँ तो पंडाल के अंदर नहीं जाने सके और माता का वहाँ दर्शन नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ सेक्टर 20 में जो कलिंगा एयरलाइंस बनाया गया है यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं। क्या भीड़ है और सविता पता नहीं किधर चली गई, कहाँ है मम्मा? तुम लोग अलग हो गए हैं, अलग अलग जेंट्स। और दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर एलईडी में चल रहा है, इससे पहले वर्ल्ड कप भी चल रहा था जो फाइनल मैच था, और ये फाइनल मैच T20 का धुरंधर सब यहाँ पर मौजूद हैं, सब सबका स्टेच्यू बना गया है। और उधर है पंडाल का जो यहाँ पर प्रतिमा जो स्थापित किया गया है माँ दुर्गा का, वो देख सकते हैं। और मेरा कैमरा शायद उतना कैद नहीं कर पा रहा है, मैं जूम करके थोड़ा प्रयास करता हूँ। और इधर है हॉकी के प्लेयर जो ओलंपिक जीत के आए हैं, और ये देख सकते हैं मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, देखते हैं जूम करके। हाँ ये देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर बनाया गया प्रतिमा माँ दुर्गा का। और दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं और दृष्टि बोल रही है कि पापा मुझे जो है ये मिक्की माउस में बैठना है। और ये देखिए सविता, और इधर हम लोग का ओम भाई है मेरा ड्यूटी पार्टनर, और सविता का फ्रेंड, और ये नन्नी मुन्नी दृष्टि का फ्रेंड परी, और दोनों ऊपर चले गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए परी यहीं पर है, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाइए, ऊपर चढ़िए। और दोस्तों राउरकेला के सेक्टर 20 में उतना क्या बड़ा पंडाल नहीं, लेकिन यूनिक वे थीम पर बनाया जाता है दोस्तों यहाँ प्रत्येक साल। लास्ट ईयर टाइटैनिक बनाया था, हम लोग नहीं पहुँचे थे यहाँ तक, और इस बार पहुँचे, देखते हैं और देखे कि द डाकोटा द कलिंगा एयरलाइंस बीजू पट। और दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं, यही लास्ट था, और बहुत सारा हम लोग पंडाल घूमेंगे सोचे थे, लेकिन क्या है ना कि और बस दृष्टि बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।